सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जिंदगी में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, नौकरी, धन और परिवार। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो धन और परिवार स्वतः ही अच्छा हो जाता है, सामाजिक स्तर अच्छा हो जाता है, मान सम्मान नाम आपका अपने आप होने लगता है। लेकिन अगर हमें जिंदगी में नौकरी में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नौकरी मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपको ग्रहों की पीड़ा से मुक्त कराएंगे, वो आपको ज्योतिष के अनुसार आपसे निवारण कराएंगे। पर आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देती हूँ जिससे आपके जीवन में आ रही नौकरी की बाधाओं को आप बहुत सरलता से दूर कर लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको टिप्स। तो आज का पहला टिप क्या करेंगे, महीने के पहले सोमवार को एक सफेद कपड़ा लेंगे और उसके अंदर लगभग 100 ग्राम चावल लेंगे, साबुत चावल, और उनको काले रंग से रंग लेंगे। उसकी एक पोटली बनाकर माँ काली के मंदिर में अर्पित कर देंगे। देखिएगा, ऐसा करने से आपके जीवन में जो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो स्वतः ही दूर होने लगेंगी। दूसरा टिप, 7 तरह के धान ले लीजिए, अनाज लेकर उसको अपने घर की छत पर डाल दीजिए। 21 दिन लगातार ये काम करिए, आपके जीवन में आ रही नौकरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देगा। आज की तीसरी टिप क्या करेंगे, हनुमान जी की उड़ती हुई एक छोटी सी मूर्ति ले आइए, अपने घर के वेस्ट यानी कि पश्चिम में उसे टांग दीजिए। अगर प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं आपको तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आज की चौथी टिप, अधिकतर प्रॉब्लम्स का कारण जो होते हैं वो ऐसा ज्योतिषी कहते हैं कि शनिदेव होते हैं, ऐसा नहीं है। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए, पूजा अर्चना करिए, लेकिन साथ में एक मंत्र शनि का 108 बार जरूर बोलिए। मंत्र कौन सा है लिख लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आइए पांचवी टिप्स पे। बचपन में एग्जाम देने जाते थे तो भी माँ कहती थी कि बेटा दही शक्कर का कर जाओ, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो अपने घर से दही शक्कर खाकर जरूर जाइए, बहुत असरदार टोटका है, जरूर आजमाइए। छठा टिप, एक नींबू ले लीजिए, उसके चारों तरफ चारों दिशाओं में एक एक लौंग लगा दीजिए, अपने सिर पे से 7 बार घुमा लीजिए, वहां बैठकर 108 बार हनुमान जी के इस मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र क्या है, ओम हनु हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप करके उस नींबू को वहीं हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और अपने इंटरव्यू पे चले जाइए। देखिएगा ठाकुर जी आपके सारे काम सफल जरूर करेंगे। सातवां टिप, जब आप बहुत घबरा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो क्या करिएगा, अपनी जेब में थोड़ी सी हींग बांध कर ले जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा और इंटरव्यू देने के बाद जब आप रूम से बाहर निकलें तो उस हींग को दक्षिण की तरफ फेंक दीजिएगा, देखिएगा आपके सारे रुकते काम बनने लग जाएंगे। आठवां टिप, बाधाएं आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत समय से परेशान चल रहे हैं,
हर गुरुवार को आटे की एक पिंडी बना लीजिए, पिंडी मतलब आटे का एक गोला बना लीजिए, उसके अंदर गुड़ चना भर लीजिए और उसे गाय को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, बिगड़ी किस्मत बनने लग जाएगी। हमारे फेसबुक पेज पर लॉगिन जरूर करिए और अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से निवारण पाने के लिए हमारे टिप्स जरूर पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए। आज के लिए जय श्री कृष्णा।